स्वागत है आपका। काफी दिनों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स फिर से मार्केट को सपोर्ट करने लगे हैं और मिड कैप की जो पिटाई हो रही थी वो अब बंद हो गई है। क्या ये माने कि पूरा जो एडजस्टमेंट की बातें थी वो खत्म हो चुकी है और सेल इन में जितना होना था वो पूरा हो गया है? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या है कि क्वालिटी के ऊपर असर होगा, क्योंकि जो सभी जब वेव चली थी पिछले 3-4 महीने से पहले तो सभी मिड कैप्स ऊपर चले गए थे ना, तो अभी जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है वहाँ पे बाइंग आएंगी, पर फिर भी फ्रॉडी स्टॉक्स जो है उनमें और भी करेक्शंस हो सकती है, तो वॉलेटिलिटी तो जारी रहेगा। मगर म्यूचुअल फंड्स अभी क्या है कि जो स्टॉक्स हमने पहले से आइडेंटिफाई किए रखे ना, तो अभी उनमें करेक्शन आ गया तो हमारे लिए एक एवरेज करके, क्योंकि हमारी होल्डिंग पीरियड थोड़ी 3 साल से प्लस होती है, तो उसको अच्छे स्टॉक में अगर कुछ करेक्शन आता है तो ज़रूर बाइंग करेंगे। तो मैं कहूँगा कि क्वालिटी स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी कम होगी, मगर ओवरऑल सेगमेंट में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी रहेगी। तो जब आप कह रहे हैं क्वालिटी स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी कम रहेगी, क्वालिटी स्टॉक्स में कोई ऐसा सेक्टर जो आपको बस एकदम अट्रैक्टिव लगने लगा है? आज सुबह में हम पीएसयू बैंकों की बात कर रहे थे और कुछ जानकारों ने ये कहा कि पर्हैप्स वर्स्ट इज ओवर, खरीदना शुरू करें। दिग्गजों पर ही नजर थी इनकी, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड द लाइक्स, यहाँ पर क्या कुछ निबलिंग शुरू कर रहे हैं? ठीक है, अच्छे क्वालिटी बैंक्स में तो हम प्रेजेंट रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरा बेच डाला हमने, होल्डिंग्स तो है तो थोड़ा एवरेजिंग तो करेंगे, मगर ओवरऑल पीएससी बैंकिंग सेक्टर में अभी तक व्यू बदलने की टाइम नहीं आई है, क्योंकि ये जो अभी जो पॉइजन पी रहे हैं ना, तो उस ये क्या फाइनल पॉइजन है या और भी थोड़ा बाकी है ये आने वाले दिन ही बताएगा, तो एक कॉशियस व्यू ले रहे हैं हम, ब्लाइंडली बाइंग नहीं कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स में। हमारे लिए मिड कैप में मैंने कहा कि स्ट्रांग सेक्टर्स, वो मैं कहूँगा कि मिड कैप में कंजम्पशन स्टॉक्स है, मिड कैप आईटी कंपनीज है और कुछ साइक्लिकल इंडस्ट्रियल्स जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, वैसे स्टॉक्स हम चुन रहे हैं। ओके, तो हमको अर्निंग्स विजिबिलिटी वो एक जरूरी चीज है, अर्निंग्स विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक, मैं क्वालिटी ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूँ। आपने क्वालिटी की बात की तो मुझे एवेन्यू सुपरमार्ट याद आ रहा है, क्योंकि जब ये गिरा था इस हफ्ते की शुरुआत में तो हमने कहा था कि बहुत मुश्किल से मौका देता है, इस मौके का फायदा उठाइए, देखिए 1350 के आसपास इसको लीजिए। कल जब खबरें आई कि डील हो गई है, अब जो सप्लाई का ओवरहैंग था वो खत्म हो गया, तो फिर हमने आपको कहा कि एक शानदार मौका अभी भी थोड़ा बाकी है। आज देखिए इसने शुरुआत मजबूत दी है, कल के हाईस के भी ऊपर निकला है 1460 की तरफ, इसका ऑल टाइम हाई हमने 1550 के आसपास देखा था, तो अभी भी वहां से 90 रुपये नीचे तो है। सिमी, क्या लगता है आपको, एक मौका अभी भी है, लेना चाहिए आज? जी, मुझे तो लगता है लेना चाहिए, और ये स्टॉक जब लेंगे तब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पोजीशन होल्डिंग के लिए ही रखेंगे। मुझे लगता है कि एक अच्छा सा लेवल मिल गया था खरीदारी करने का, अभी भी अगर कोई लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जरूर लेना चाहिए। 1500 के ऊपर का टारगेट तो मिनिमम आना चाहिए, बहुत ही जल्दी आना चाहिए। 1500 के पार निकलेगा एक बार फिर वो स्टॉक, देखिए काफी तगड़ी तेजी। TCS में अपडेट आ रहा है कि मार्केट कैप 7 लाख करोड़ के पार निकल गया है, टेक्नोलॉजी में तो काफी एक्शन है। सुब्रमण्यम साहब, टेक में आपकी क्या राय है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो रहे थे, निफ्टी आईटी और दिग्गज आईटी स्टॉक्स में लोगों ने काफी तेजी की और काफी पैसा भी कमाया है, अब यहाँ से रुझान के और मजबूती का कायम है या नहीं? नहीं, मेरे मन में ये कायम है, 3-4 कारण है इसके पीछे। एक है कि ग्लोबल ग्रोथ की रिवाइवल में ऑटोमेटिकली कोरिलेशन हम देखेंगे आईटी स्पेंड्स, एस्पेशली डिजिटाइजेशन ओरिएंटेड स्पेंड्स इंटरनेशनल कंपनीज में बढ़ेगी, क्योंकि उनको जब कॉन्फिडेंस दिखता है तभी वो कैपेक्स आईटी में करते हैं, तो ये ग्लोबल ग्रोथ का रिवाइवल से आईटी का बहुत लाभ होगा, वो एक चीज़ है। सेकेंड इज रुपी का एक वीकनिंग स्टेटस जो है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेंटर्स लाइक आईटी उनके लिए बहुत बढ़िया है। तीसरी है कि ये सेक्टर का पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं तो एक रीरेटिंग हो गई है कि बहुत हॉट ग्रोथ से एक स्टेबल सेक्टर की रूप अभी अपना रही है, तो जो वैल्यूएशन पहले बहुत फ्रॉथी थे वो करेक्ट हो गए, तो अभी तो क्या है कि इस लेवल पे एक क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स की बात करी थी वो आईटी सेक्टर में अच्छी दिखती है हमको कि एक स्टेबल ग्रोथ मिलेगा इनमें, तो ये एक ऐसी वोलेटाइल टाइम में ये बहुत अच्छी सेक्टर है खरीदने के लिए। हमने तो मिड कैप आईटी पहले से ही खरीद रखा था तो वो कंटिन्यू करेंगे, अभी लार्ज कैप आईटी में भी हम थोड़ा खरीदारी कर रहे हैं, तो आईटी में ओवरऑल हमारी व्यू फेवरेबल बदल गई है और अच्छी रिटर्न्स दे सकती है अगले 2-3 साल के टाइम फ्रेम में। ओके, एक सेक्टर आज जो थोड़ा फोकस में आ रहा है वो है लॉजिस्टिक्स का, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पे नजर डालिए। गेटवे डिस्ट्री पार्क एक और स्टॉक है, ये आपके सामने लाएंगे और ये तो करीब 8-9% भाग गया। इसकी वजह यह है
कि जो कुछ एक राज्यों में अभी तक ईवे बिल लागू नहीं था उनमें भी लागू हो रहा है, महाराष्ट्र उनमें प्रमुख है, और इसके साथ ही पूरे देश में अब ईवे बिल का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो ये इस सेक्टर के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। सुब्रमण्यम साहब, कैसे देखते हैं आप इसको, क्या इस सेक्टर पे आपका एक्सपोजर है, आपको पसंद आता है ये? या बिल्कुल, ये इसमें हम बहुत बुलिश है क्योंकि दो तीन चीज़ है। पहली चीज़ है कि ये डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की जो प्रोसेस है उससे बिगेस्ट बेनिफिशियरी ये सेक्टर है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स ही एक हाईली कैश बेस्ड सिस्टम थी तो सिस्टम के बाहर चल रही थी। अभी जीएसटी के कारण और डिमांड के कारण ये सेक्टर अभी ऑर्गेनाइज में आ रही है, तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बढ़ रहा है, तो ऐसी कंपनियां जो ऑलरेडी लिस्टेड है और लिस्टिंग में के आने चांसेस है, इसकी फ्यूचर बहुत अच्छी है। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी देखिए आप कमर्शियल व्हीकल्स, अच्छे मानसून ट्रैक्टर्स, जैसे ही कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती है इकोनॉमी में तो लॉजिस्टिक्स का उसके साथ बढ़ने का, ये लास्ट माइल कन्वर्शन की बात करते हैं ना, माने कि मेन हाईवे से छोटे हाईवे के लेकर अंदर जाने में तो लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज़ अल्टीमेटली आपको मूवमेंट ऑफ फ्रेट में लॉजिस्टिक्स को ही बहुत बड़ा एक लाभ मिलता है, तो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स जिसको हमने पहले से ही आइडेंटिफाई कर रखा है और डेफिनेटली पॉजिटिव है और बुलिश है इसमें। तो सुमित, क्या चुनेंगे आप, क्या चुनेंगे आप? रंजीत जी, मेरे लिए है ना सवाल जी, देखिए ट्रेडिंग बेट के हिसाब से स्नोमैन में अभी मोमेंटम देखने को मिल रहा है, प्योरली ट्रेडिंग बेट के हिसाब से स्नोमैन के अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 46 का स्टॉप लॉस लगाए, 48 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और 54 से 55 रुपए का टारगेट होगा। ये प्योरली ट्रेडिंग बेट है, इसके अंदर 55 रुपए के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है और विद वॉल्यूम्स और 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली ट्रेड देखने को मिलता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि लॉन्गर टर्म टाइम होराइज़न के हिसाब से स्टॉक में अच्छा मूव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिलहाल प्योरली ट्रेडिंग के लिए एक बार ले सकते हैं इसके अंदर। तो वो तो 15% ऊपर है अभी, वहां तक भी मिल गया तो हम तो बहुत खुश होंगे और हमारे दर्शक भी। सिमी, आप क्या चुनेंगी, गति या स्नोमैन, बताइए जल्दी से, वक्त बहुत कम है। जी मैं गति चुनूंगी, मुझे लगता है कि इसमें भी मोमेंटम आना चाहिए और मैं दोनों में से मैं गति चुनूंगी। ओके, चलिए इसके साथ ही वक्त है आप सभी से इजाजत लेने का। सुब्रमण्यम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला। सिमी और सुमित, आपका भी शुक्रिया उन तमाम शानदार ट्रेडिंग कॉल्स के लिए जो आज आपने हमारे दर्शकों को दिए। और इसके साथ ही फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, प्रियंका संभव लेकर आएंगी आज के ओपनिंग ट्रेड्स, बने रहिए। नमस्कार।